ओए मोर रानी, जरा यहाँ पर देख लीजिए। हाय, हेलो, हैंडशेक कीजिए। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर मोर है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल अमित डी ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम आए हैं हमारे शिव मंदिर पर, बामोर शिव मंदिर। ये देखिए मेरे पीछे भगवान ऋषभ जी खड़े हैं। सो गाइस देरी ना करते हुए चलते हैं जल्दी मंदिर मंदिर के अंदर, और वहीं पे मैं आपको सारा व्यू दिखाऊंगा, भगवान जी का दर्शन कराऊंगा और आपके साथ कुछ इंपोर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा। तो गाइस लेट्स गो। सो गाइस हम मंदिर के अंदर आ गए। ये देखिए मंदिर को एंटर करते हुए एक बेल का पेड़ यहाँ पर है, जो कि भगवान महादेव का बहुत पसंद है। तो ये देखिए, ये है हमारा मंदिर। मंदिर के साथ साथ कुछ छोटे बड़े मंदिर भी यहाँ पर हैं, ये देखिए। और गाइस यहाँ पर काफ़ी हरियाली बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर वातावरण भी काफ़ी साफ सुथरा है। ये देख लीजिए, कहीं पर भी गंदगी गिरी हुई नहीं दिख रही है आपको। अभी भी सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए भगवान को रोज नहलाया जाता है। चलते हैं आगे। तो गाइस मैं आपसे बताता हूँ, अगर आप संबलपुर से अनुगुल तक या कटक तक जा रहे हैं तो इस मंदिर शिव मंदिर के तक कैसे आए? तो गाय संबलपुर से लगभग 80-85 किलोमीटर के बाद बामूर पड़ता है। बामूर के ठीक क्रॉस करने करते हुए बामूर के राइट में ही ये मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर। तो ये देखिए गाय, यहाँ पर नाग देवता जी भी है, यहाँ पर भी डेली पूजा होती है, और ये चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये देख लीजिए एक बार। तो गाइस अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे, भगवान जी का दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाऊंगा भगवान जी को। तो उसके बाद मंदिर का चारों तरफ का व्यू आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो गाइस, चलिए चलते हैं। दर्शन करके आ चुके हैं, तो अभी आपको मंदिर के चारों तरफ का व्यू दिखा रहा
हम सारे भगवान जी का दर्शन करके आ चुके हैं, और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा जो कि इस मंदिर का शोभा बहुत बढ़ाता है और लोगों को यहाँ पर आने के लिए आकर्षित करता है। जरूर देख लीजिए इसका व्यू। ये देखिए गाइस कितना प्यारा सा एक मोर यहाँ पर है। तो अभी यहाँ इसे लाते हुए लगभग एक महीना शायद हो चुका है, पहले तो ये नहीं था पर इसे अब लाए हैं। तो देखिए कितना सुंदर है। ओए मोर रानी जरा यहाँ पर देख लीजिए, हाय हेलो हैंडशेक कीजिए। ये देखिए गाइस कितना सुंदर मोर है। इस मंदिर को आने के बाद मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप भी जरूर आए। अगर आप संबलपुर से होकर कटक या भुवनेश्वर जाते हैं तो बीच रास्ता में पड़ेगा हमारा बामूर का शिव मंदिर। तो गाइस इस मंदिर को आठमल्ली के राजा किशोर चंद्र देव ने अपने शासन काल के दौरान बनवाया था। तो 1927 से लेकर 1928 तक एक साल के अंदर ये मंदिर पूरा बन गया था। तो गाइस मैंने इस मंदिर का सारा व्यू आपके साथ शेयर किया, भगवान जी का दर्शन कराया। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा भगवान के लिए, कमेंट कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे और शानदार नए वीडियो के लिए। तो मिलते हैं गाइस अगले एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, लव यू गाइस।